फैक्ट नंबर वन, अगर प्रेमिका या पत्नी खुदकुशी करने की धमकी देती है तो आप उस पर आईपीसी की धारा 503 और 506 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं। फैक्ट नंबर टू, रसिया की नताशा डेमकिना को दुनिया की जीती जागती एक्सरे मशीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी आंखें एक्सरे मशीन की तरह काम करती हैं, जो किसी भी इंसान के अंदर के अंगों को देखकर उसकी बीमारी के बारे में पता लगा लेती हैं। इनकी आंखों में यह खास गुण 10 वर्ष की आयु से मौजूद है। फैक्ट नंबर थ्री, मधुमक्खी डंक मारने के कुछ समय बाद ही मर जाती है, क्योंकि डंक मारने के बाद वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती है, जिससे इसका स्टिंगर टूट जाता है और साथ में उसके पाचन तंत्र, मांसपेशियां और आंत भी डैमेज हो जाते हैं, या कभी कभी ये स्टिंगर के साथ बाहर आ जाते हैं, जो इसके मौत का कारण बन जाता है। फैक्ट नंबर फोर, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद 14 जून से लेकर अब तक 40 लाख से अधिक लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर चुके हैं। इससे हम सीख सकते हैं कि हम भी अपने जीवन, अपने करियर में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों की कद्र नहीं करते हैं और समय बीत जाने के बाद पछताते हैं। इसीलिए समय रहते अपने जीवन और अपने कीमती रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि बाद में वैल्यू देने से कोई फायदा नहीं होगा। फैक्ट नंबर फाइव, इंसान के शरीर में जीभ एक ऐसा अंग है जो बाकी अंगों के तुलना में चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक होती है। फैक्ट नंबर सिक्स, अगर आप ब्रश करते समय या ऐसे ही कुछ छोटे कार्यों के लिए अपने दूसरे हाथ का भी प्रयोग करेंगे तो आपके दिमाग को दूसरी तरह से काम करना पड़ता है, इससे आपका कंट्रोल बढ़ता है। फैक्ट नंबर सेवन, आपने कभी न कभी रोड पर ऐसी एक सीधी लाइन और एक कटी लाइन को जरूर देखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि कटी लाइन की तरफ गाड़ी चलाने वाला ओवरटेक कर सकता है, लेकिन अगर सीधी लाइन की तरफ कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको ओवरटेक करना मना है। फैक्ट नंबर एट, हमारी आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं, तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि धरती पूरी सपाट यानी कि प्लेन हो और पूरा अंधेरा हो तो हम 48 किलोमीटर दूर से भी मोमबत्ती की जलती हुई लौ को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान धातु की इतनी कमी हो गई थी कि इस दौरान दिया गया ऑस्कर प्लास्टर का बना हुआ था। फैक्ट नंबर 10, ये एक अमेजिंग सा फैक्ट है, अगर आप गोल्ड फिश को अंधेरे कमरे में रखोगे तो ये अपना रंग खो देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।